तो हे गाइस, आज हम इसका करने वाले हैं वाटरप्रूफ टेस्टिंग। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा ब्रांड न्यू V8 स्मार्ट वॉच है, मैंने ले लिया है। तो इसके पहले भी मैंने इसका अनबॉक्सिंग जस्ट ही कुछ दिन पहले ही मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो डाला है। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू 1200 का ये मेरा स्मार्ट वॉच है। तो आज मैं इसका मतलब 1200 का रिस्क लेने वाला हूँ कि यहाँ पे इसका वाटरप्रूफ या पानी में सर्वाइव कर सकता है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं फटाफट से मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो देख सकते हैं पूरा ब्रांड न्यू है स्मार्ट वॉच आपको मिलेगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले पानी लाते हैं, उसमें इसका वाटरप्रूफ टेस्टिंग करेंगे। 1200 रुपीस का रिस्क ले रहे हैं तो केवल आपसे एक ही चीज़ चाहूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने पानी है वो ले लिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऑन कर दिया हूँ। क्या करते हैं सबसे पहले इस स्मार्ट वॉच में हम पहले म्यूज़िक को प्ले करेंगे, उसके बाद हम इसे पानी में डालेंगे, उसके बाद से देखते हैं कि इसमें जो भी है मतलब गाना है वो कैसे प्ले होता है पानी के अंदर और कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो चलिए फटाफट से हम इसमें सॉन्ग है वो उसको प्ले करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक सॉन्ग है उसको प्ले कर दिया हूँ, उसके बाद हम इसको यहाँ से देख सकते हैं पानी में यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये अभी जो आप सॉन्ग सुन रहे हैं केवल इस घड़ी का बज रहा है। तो सॉन्ग प्ले करके यहाँ पे इसको पानी में वो डालते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि इसमें कैसा है वो आवाज़ है वो आता है। तो फिर से यहाँ से सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, बंद हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल लाइव यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर ले रहा हूँ ताकि पानी में जाए तो काफ़ी अच्छे से रहे। तो यहाँ देख सकते हैं मैं इसको आपके सामने यहाँ पर लाइव पानी में डाल रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें बुलबुला कुछ बबल्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन गाना मेरे को हल्का हल्का अभी भी सुनाई दे रहा है। तो आपको भी पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पे हल्का हल्का सा यहाँ पे सुनाई है वो दे रहा है। तो अभी देखते हैं इसको क्या होता है और जो सही से बच पाता है या नहीं, या मेरा 1200 रुपीस वो चला जाएगा। ये 1200 रुपीस केवल आपके लिए मैं रिस्क लिया हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं हल्का हल्का अभी भी बबल से वो आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे 4-5 मिनट तक इसमें ही छोड़ देते हैं, उसके बाद से 4-5 मिनट के बाद ही इसे हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि ये इस घड़ी में क्या ये फिर से वर्क करेगा या नहीं। तो 4-5 मिनट के बाद ही इसे हम बाहर निकालते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 मिनट के आसपास हो चुका है, तो अभी हम इसे यहाँ से इधर बाहर निकालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पावर ऑफ लिख कर आ चुका है, यानी कि इस बटन है वो बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। लेकिन डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं वर्किंग में है। तो हम इसे यहाँ से बटन प्रेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले है वो अभी भी वर्क कर रहा है और म्यूज़िक है वो अभी भी बज रहा है। आपको यहाँ से सुनाई दे रहा होगा, आप भी सुन सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूज़िक तो काफ़ी अच्छे से बज रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले भी यहाँ पे पानी की वजह से अभी भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये अभी भी मतलब घड़ी है वो अच्छे से सर्वाइव कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना मतलब पानी में भी अच्छे से सर्वाइव कर लिया है। तो इसे और पानी में रखते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट है, मैं इसे चार्जिंग पोर्ट को भी यहाँ से निकाल देता हूँ कि इधर से भी पानी जाना है वो जा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं USB चार्जिंग यहाँ पर कनेक्टिंग लिख रहा है, यानी कि चार्जिंग में जैसे यहाँ पर पानी गया उसके बाद से ये भी शॉर्टली होने लगा। उसके बाद से हम क्या करते हैं इसे बैक पैनल को भी उतार देते हैं, उसके बाद से देखते हैं इससे कितना पानी है वो अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बैक पैनल भी उतार दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी वगैरह आपको लाइव सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मतलब ये बिल्कुल तो घड़ी है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली अंदर पानी है वो जा चुका है और गाना है वो भी बंद हो चुका है। तो देख सकते हैं घड़ी है वो फिर से रिस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं USB रिमूवल यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है जो ऑटोमेटिक शॉर्ट हो रहा है उसके बाद से ही आ रहा है। तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक डिस्प्ले है वर्क कर रहा है। तो चलिए हम इसे थोड़ी देर तक सुखाते हैं खोल के, उसके बाद से देखते हैं कि आखिर ये घड़ी है वो ख़राब हो चुका है सक्सेसफुली या नहीं। तो अभी देख सकते फाइनली मेरा स्मार्ट वॉच मैंने उसे साफ ऑफ कर लिया है, पानी वो भी जो जितना भी पानी था उसे मैंने बाहर निकाल दिया है। फाइनली डिस्प्ले पे भी पानी चला गया था लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी देख सकते हैं इसे मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ लेकिन स्मार्ट वॉच है वो अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया इसको ऑन करने के लिए लेकिन नहीं हो रहा है। अभी आपके सामने ही मैं यहाँ पर चार्जिंग को यहाँ पर लगा रहा हूँ और देखिए यहाँ पर चार्जिंग उठा रहा है या नहीं। मैंने चार्जिंग में भी लगा दिया है लेकिन चार्जिंग भी नहीं उठा रहा है। तो पता नहीं है क्यों मेरा स्मार्ट वॉच सक्सेसफुली ख़राब हो चुका है। तो मतलब 1200 रुपीस मेरा तो पानी में चला गया। इसके पहले भी मैंने DZ09 स्मार्ट वॉच का भी टेस्टिंग किया था लेकिन वो सक्सेसफुली अभी भी वर्क कर रहा है, वो तो काफ़ी सही से वर्क कर रहा है अभी भी। लेकिन वो उसको भी मैंने इतना ही देर पानी में रखा था लेकिन वो सही से वर्क कर रहा है। तो ये बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाया पानी में। तो अगर आपके पास भी ऐसा अगर स्मार्ट वॉच है V8 तो आप उसे पानी में ना ही लेके जाए तो अच्छा है, क्योंकि देख सकते हैं अभी मैं स्मार्ट वॉच ऑन नहीं हो रहा है। अभी यहाँ से बैक पैनल है उसे भी मैं निकाल कर आपको बैटरी को फिर से निकालते देख सकते हैं, बैटरी भी हल्का हल्का गीला हो चुका है लेकिन मैंने सारी चीज़ को यहाँ से पहुँच लिया है।
उसके बाद से फिर से यहाँ पे लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देख सकते कोई सा भी रिस्पॉन्स है वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते मैंने बटन को भी प्रेस किया है, यहाँ पर मैं दोनों बटन को भी प्रेस कर दे रहा हूँ आपके सामने। आप देख सकते बटन को मैं प्रेस किया है लेकिन अभी भी स्मार्ट वॉच है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली फुली डेड हो चुका है। तो ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।